आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारी एक बड़ी आबादी आजाद नहीं है। हम उस आजादी के लिए लड़ रहे हैं। सवाल मनरेगा का मामला नहीं है, सवाल दलितों पर अत्याचार का सिर्फ नहीं है, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि नई शिक्षा नीति किस तरह से कर रही है, सवाल भूमिहीनों को जमीन देने का सिर्फ नहीं है, सवाल इतने हैं कि देश की सत्ता ही सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक उस देश की सत्ता से आप सवाल नहीं करेंगे, आपसे मेरा मतलब आप सब एक दूसरे के साथ, चाहे देश के दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो या प्रगतिशील धारा के लोग हों, हाथ पकड़ के चलना होगा। और ये काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि कल हमने चुनाव देखा है, चुनाव में लोगों के मुद्दे गुम हो जाते हैं, आपके मुद्दे गुम हो जाते हैं, उन मुद्दों की वापसी करनी है। सीवर में उतरने वाले की जाति क्यों नहीं बदलती है? क्यों लोग मरते हैं प्रतिदिन? एक छोटा मुआवजा देकर आप समझते हैं कि आपने अपने कर्तव्य की इतनी सुई कर ली? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, एंड दैट इज टू इंपॉर्टेंट एन इश्यू टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिकल पार्टी अलोन। यू हैव टू फाइट इट डे इन एंड डे आउट। हम जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई मुश्किल होती जा रही है दिनों दिन। देश की सत्ता पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ये पता चल गया है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं, बिना काम किए चुनाव कैसे जीते जाते हैं। दलितों पर अत्याचार हो फिर भी चुनाव जीत जाएंगे, आदिवासियों की जमीन ले ली जाए फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। आखिर ये कौन सी पद्धति है, ये कौन सा जादू है? ये जादू है पूंजीपतियों का, और वो पूंजीपति आपके टूथपेस्ट से लेकर के आपके बेडरूम में घुसा हुआ है। वो हमारी आपकी नियत निर्धारित कर रहा है। अगर अपनी डेस्टिनी नियति बचानी है तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से काम नहीं चलेगा। सड़क उबाल दीजिए, सड़कों पे गुस्सा दिखना चाहिए। भूख लगती है तो गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को सिर्फ 5 किलो अनाज से नहीं समझना है। हमें यह जानना है कि आखिर हम ही भूखे क्यों हैं, हमारे भूख की वजह क्या है, हम पर अत्याचार की वजह क्या है, हम मनरेगा में इतने दिन का काम मांगते हैं उस पे चुप्पी क्यों है। हमारे दलित भाई बहन आज भी सीवर में उतर करके हमारे भाई क्यों मर रहे हैं? अगर इन सवालों पे हम गुस्सा नहीं करेंगे, सड़कों को उबाल नहीं देंगे, गांव खलिहानों में हाहाकार नहीं मचा देंगे, तो संसद का चरित्र नहीं बदलेगा। अगर आप संसद का चरित्र बदलना चाहते हैं तो आंदोलन का चरित्र बदलना होगा। और यही संदेश मुझको लालू जी की ओर से, तेजस्वी जी की ओर से, मेरी अपनी ओर से देने को कहा गया था। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, लाल सलाम, जय हिंद।